लग रहा है जैसे हमें किसी ने देख लिया। कब आई तुम? पता ही नहीं चला। तुम शायद कहीं बिजी थे। मैं सिर्फ उनकी एम्प्लॉई हूँ और वो मेरे बॉस है। कोई और रिश्ता नहीं है तुम्हारा रिजवान के साथ? आप ख्वाहिशों का इजहार करती जाए, मैं सारी ख्वाहिशें पूरी करता जाए। नसर तुम्हारे साथ सारा दिन फ्लर्ट करता रहता है, कभी मैंने नहीं देखा है तुमने उसको थप्पड़ मारा। आरिफ और नसर में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। मैं अब यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। या तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है, तुम यही रहो। कहाँ है मेरी बुक? उफ़रानी भी ना। डैडी है यूएसबी? जरूर है। एक्चुअली वो जो बिजनेस डील्स हो रही है ना, उसकी कुछ कोटेशंस हैं बस। डैड, मिसेस तासीर से आपने आज माफी किस बात पर मांगी थी? कुछ नहीं, ये जो मिडिल क्लास की औरतें होती हैं ना, इन्हें बैठे बैठाए अगर इतना बड़ा स्टेटस मिल जाए तो गरूर में कुछ समझ नहीं आता। इन्हें समझती हैं जैसे उन्होंने दुनिया ही खरीद। अशोभा भी एक छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दी, उसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी सुकून से रह सके। अच्छा, शी इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। ये तो रिजवान की मेहरबानी है कि उसे हमसे हमदर्दी है, अदरवाइज अगर फलक का बस चले ना तो हम में से कोई भी इस घर में ना रहे, ना मैं ना तुम। नो डैड, ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है। फलक इज ए नाइस वुमन। तुम क्या समझ रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? यही समझ रहे हो ना तुम? जाओ जाकर रिजवान से पूछो, जाओ, उसकी बातों पर तो तुम्हें भरोसा है ना, वो तुम्हें बताएगा। लेकिन इसमें इस बेचारे रिजवान का भी कोई कसूर नहीं है, वो तो फंस गया है एंड ही नोज अबाउट इट। नहीं यकीन आता ना, जाओ जाओ जाकर पूछ लो उसे, वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। जाओ। Hi. Dad, आज आप लेट हो गए। I'm sorry. थोड़ा बिजी था। और मैं? Oh, come here, come here. What? वैसे भी डैड मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और वैसे भी तुम अडॉप्टेड हो। डैड, मैं अडॉप्टेड हूँ, सच्ची सच्ची बताएं। Hey, बेटा, आप मेरी प्रिंसेस, आप वहां से डॉक्टर, मेरी जान है आप, मेरी बेटी। आर यू श्योर? अरे बेटा, व्हाट डू यू मीन आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। देखा, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। वैसे भी डैड तुमसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब डैड तुम्हें अपने असली पेरेंट के पास छोड़ेंगे। जी नहीं, डैड मुझसे कभी नहीं झूठ बोलते और वो मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे, हम सब साथ रहेंगे, है ना डैड? डैड? हाँ, हम सब साथ रहेंगे। क्या हुआ जानू? कुछ नहीं। कहने लगवाऊं? जानू? हाँ नहीं, रहने दो।
डैड मैं ऑफिस जा रही हूँ, ओके ऑफिस। डैड आपको क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं, बस तुम जाओ, तुम ऑफिस जाओ। प्लीज बताएं क्या हुआ है। कुछ नहीं, बस गुस्सा हुआ वक्त याद आ गया था मुझे। जब ये सब कुछ मेरे पास भी था, इज्जत मकाम रुतबा सब कुछ, और अब देखो इज्जत मांगने से भी नहीं मिलती। आज एहसास हुआ है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तभी आपको इज्जत भी मिलती है। जिसके दिल में जो आता है वो कहता है, जिसके दिल में जो आता है वो करता है, हर कोई हकारत से देखता है आपको। डैड प्लीज रोइए मत, सब वैसे हो जाएगा जैसे था, पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। डैड आप जैसा इंसान इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकता है? मुझे बताएं हुआ क्या है, आप अचानक ये बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, बस तुम भूल जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। नहीं डैड, आपको मुझे बताना होगा कि आपको किस बात ने इतना मायूस किया। ऐसी डिस्टर्बेंस तो अब रोज ही रहेगी, रोज ऐसी बेइज्जती होगी हमारी, अब जिंदगी ऐसी गुजारेंगे हम। बेइज्जती? डैड मिस्टर तासीर तो आपको इतनी इज्जत देते, कभी महसूस नहीं होने देते कि वो आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। रिजवान की नहीं, मैं फलक की बात कर रहा हूं। तुम जानती हो मैंने उससे उस दिन माफी क्यों मांगी थी? क्योंकि उसे एक छोटी सी बात का इश्यू बनाकर मुझे मुझे थप्पड़ मारा था उसने, थप्पड़ मारा था। क्या अब ये औकात रह गई है मेरी? डैड आपने फलक से माफी क्यों मांगी? आपको उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो क्या करता मैं, क्या करता? इनके घर में रह रहे हैं, इनकी इनकी दीवी खैरात पर जिंदा है। गलती चाहे फलक की थी, लेकिन आपने तो मुझे ही मांगनी थी ना। पर डैड अगर मैं आपके साथ होती ना, तो मैं आपको कभी फलक से माफी ना मांगने देती, कभी फलक को आपकी बेइज्जती ना करने देती। आपको मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। क्या बताता मैं तुम्हें, पर कैसे बताता? मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हाल में देखो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई फायदा नहीं है। फिर वही बात, आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको क्यों बताऊं? एक बात तय हो चुकी है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपकी जिंदगी का वो छुपा हुआ हिस्सा हूं जो थोड़ी सी भी उम्मीद के साथ रोशन हो जाता है, फिर आप फलक के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। देखो तुम्हें जो कहना है कहो, प्लीज रोने की वजह तो बता दो। तुम जानती हो कि मुझे तकलीफ होती है तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर। जब तक मुझे प्रॉब्लम का नहीं पता होगा,
मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो हम आपके रहमो करम पर हैं, हम आपके घर में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पीते हैं, आपसे इज्जत वसूल करते हैं और आप ही के हाथों पर जलील होते हैं। जलील? क्या कहा तुम? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरी ये कोशिश होती है कि तुम लोगों को ये बिल्कुल भी फील नहीं। आप सोचते होंगे ना, आप फील करते होंगे, लेकिन फलक नहीं। क्या कहना चाहते? मुझे उस बात का पता चल गया है जो आप बहुत आसानी से मुझसे छुपा रहे थे। नहीं है आपके पास हमारे प्रॉब्लम्स की सलूशन। दावे करना बहुत आसान होता, पर बड़े से बड़े लोगों के लिए भी इनको पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। मेरे डैड बुरे से ही, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए उसी तरह अहम है जैसे आपके लिए अलीसिया और निशा। अगर आपको लगता है कि वो ऐसे थप्पड़ हर दूसरे दिन खाते फिरेंगे और फिर माफी मांगेंगे, तो आप प्लीज मेहरबानी करके हमें बता दें ताकि हम आपसे अलग अपनी लाइफ प्लान करना शुरू कर दें। क्या बात है मंशा? रिजवान, ऑफिस में कोई बात हुई है? तुम लोग बहुत खामोश लग रहे हो आज। नहीं कुछ नहीं। ये कोई तो बात हुई है। तुम बताओ मंशा, रिजवान ने तुम्हें डांटा तो नहीं? जब कहती है कुछ नहीं हुआ, बार बार पीछे क्यों पड़ गई इस बात में? ऐसे ही पूछे थे जानू। खाने में क्या बनाया? मैंने ऑफिस से फोन किया था ना कि मुझे स्टेक खाना है, क्यों नहीं बनाया स्टेक? रिजवान, जब तुम्हारी कॉल आई थी तब तक खाना बन चुका था। तो क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं खाने को भी नहीं बोल सकता। देर हो गई तो सो व्हाट, बना देना था उस वक्त। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? बात मेरे गुस्सा होने की नहीं है, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की है। मेरी गैर जिम्मेदारी? हाँ, मैं मालिक हूँ इस घर का। तुम्हें मेरी ख्वाहिश को तरजीह देनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है इस घर में वही होता रहेगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और जो तुम्हें बुरा लगेगा वो नहीं होगा? किसी की मर्जी नहीं चलेगी, कोई तुम्हारे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। क्या हो गया रिजवान? ये बात बाद में भी हो सकती है, जरूरी है सबके सामने करना? क्यों? अब घर में बातें भी तुम्हारे हिसाब से जगह देख कर करनी होगी। अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता, इतनी औकात भी नहीं है मेरी क्या? इस बार मैंने ऐसा कब कहा है? ये क्या लेकर आ रही? स्टेक बनाने को कहा था ना मैंने। सर, कुक ने यही बुला। कुक को जी जानम प्लीज। मैंने आज का डिनर तो क्यों कहा था तुमने? मैंने जब तुमसे कह दिया था कि मैं स्टेक खाऊंगा तो क्यों नहीं बनाया? तुम्हारी कॉल लेट आई थी। तो लेट आई तो क्या हुआ, बन सकता था ना। क्या बनाया तुमने? ये स्टेक क्यों नहीं बनाया? इस घर का मालिक मैं हूं, जो मैं तुमसे कहूंगा वही बनेगा, समझ आई तुम्हें? जाओ यहां से। तुम खाना तो डालो, क्या हो गया है? ये लो लो।
हेलो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास मौजूद है और आपको बआसानी मिल भी सकती है। कम ऑन, आप तो जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन हासिल करना कितना मुश्किल है और नहायत कीमती भी। हाँ, कीमत आप नहीं लगाएंगे, कीमत मैं लगाऊंगा। रिजवान तासीर मेरे दोस्त थे लेकिन अब नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिजवान तासीर को हमारी टीम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। सी यू टुमारो। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोने के लिए निकल ही रही थी। इतनी अजनबियत से क्यों बात कर रही हो मुझसे? तो मेरे पास भी हो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो। प्लीज बैठो, प्लीज। अब बताओ क्या बात? मैं एक चीज क्लियरली जानना चाहती हूँ। क्या? फलक को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? अब ये बात आप हमसे छुपा रहे हैं। क्या मतलब? फलक को एतराज है मेरे और डैड के यहाँ रहने पर। फलक को क्यों एतराज होगा तुम्हारा यहाँ रहने? उसे एतराज नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, बिलीव मी। फलक और आरिफ को मिसअंडरस्टैंडिंग थी मगर वो क्लियर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बात को यकीन करो। प्लीज रिलैक्स। आई डोंट नो व्हाई डैड ने मुझसे ये बात की, उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आरिफ ने क्या कहा तुमसे? अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए। ऐसे भी जरूरत नहीं, यानी कि तुम डरो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। जानू, तुम कब आए? बस थोड़ी देर हुई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है? बस थोड़ा थका हुआ। क्यों, आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? क्या बात है, नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, कुछ इस तंग करे? नहीं। तो इतने खामोश क्यों? रोज तो आके ऑफिस के किस्से सुनाते हो, आज कोई किस्सा नहीं है?
पक्का आओ, प्लीज लाइट बंद कर देना, नींद आ रही है। रानी जी मैम, बच्चे रेडी हैं? जी वो तो रेडी हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो सही है। तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। तो और क्या है आप? लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। नाराज? मैं ऐसी बातों पर वक्त नहीं जाया करती जिनके लिए मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो। तासीर, आए। बैकअप, ताकि मेरा बैग गाड़ी में रखो। अभी चले। हेलो। ओए होए, राइटर साहब फुल मूड में आए। क्या हुआ, अंदर का राइटर फिर से जाग गया? सोता ही कब? मेरे अंदर का राइटर तो ना आराम करता है और ना खामोश रहता है, और अभी भी ना चाहते हुए वो जिद कर रहा है कि वो तुम्हें एक कहानी सुनाए, सिर्फ तुम। मुझे क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसे इस कहानी में तुम नजर आ रही। मैं कब से तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनने लगी? इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनो। तो सुनोगी? हाँ जरूर सुनूंगी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, आई थिंक घर चल के बात करें। नहीं फलक, रुको, मुझे ये कहानी आज ही तुम्हें सुनानी, फिर शायद मुझे मौका मिले ना मिले, और फिर शायद मैं ये हौसला जोड़ पाऊं भी या नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छा इतने तुम परेशान हो, मैं सुनती हूँ, आओ बोलो। ओके एक मर्द है और एक औरत, एक औरत जो कि बहुत खूबसूरत है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और एक मर्द बिल्कुल तासीर की तरह। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, वो दोनों एक दूसरे से तमाम हदें पार करके मोहब्बत करते हैं, इश्क से भी बढ़कर। उन दोनों की मोहब्बत में एक अजीब सी राहत है, शायद इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। उनकी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है। फलक और तासीर के लिए एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी है, किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। ठीक है आगे। लोग उन दोनों के दरमियान बहुत कोशिश करते हैं कि कोई दीवार खड़ी कर दें, उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दें, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत है और उनके दुश्मनों के इरादे भी बहुत मजबूत हैं। और फिर एक दिन, एक दिन क्या, तासीर फलक के अलावा कहीं और देखता है और उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तासीर फलक को धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन अपने आप को रोक भी नहीं पाता। वो फलक को कुछ नहीं बताता, शायद वो फलक का दिल नहीं तोड़ना चाहता,
लेकिन अब वो सिर्फ फलक का नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फलक को पता चले कि नहीं। क्या उसको पता चलना चाहिए कि उसके हिस्से की मोहब्बत अब उसकी रही है या नहीं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं उसे हमेशा इसी धोखे में रहने दूं कि जो उसकी मोहब्बत है वो अब उसकी मोहब्बत नहीं रही? या मैं उसे बता दूं कि हकीकत अब बदल चुकी है और उसको हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बताओ मुझे मैं क्या उसे बता देना चाहिए। क्यों? ये मोहब्बत है ना सर, मोहब्बत में इंसाफ होता है और इंसाफ यही है कि फलक को पता होना चाहिए कि उसका जहान अब उसका नहीं रहा। हाँ जरा बताना थोड़ा मुश्किल है लेकिन पता होना चाहिए। क्या हुआ? ठीक कह रही थी, जो बता देना चाहिए। तुम क्या कहना चाह रहे? इस कहानी की हकीकत में लड़की तुम, लड़का तासीर और क्या रस? फलक, तासीर और मंशा। अब तासीर की जिंदगी में मंशा आ चुकी है। मैंने उन दोनों को तुम्हारे घर में साथ देखा है। उन दोनों का अब फेर चल रहा है। फलक, ये सब बहुत देर से चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनफ मजाक की एक हद होती है सर। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से तासीर और मंशा को। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें समझ आ रही तुम क्या बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था लेकिन बाद में मुझे भी जाके यकीन करना पड़ा। अच्छा क्या देखा तुमने? बताओ क्या देखा? फलक, मैंने मंशा और तासीर को साथ तुम्हारे घर में देखा है। तो एक ऑफिस में काम करते, किसी काम से आई होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया रिजवान के लिए? जानता हूँ तासीर को लेकिन ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखने के बाद ही मैं तुमसे कह रहा हूँ। और मैं तासीर के बारे में ऐसी क्या बात? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तो बताओ मुझे, अभी तो सुन। क्या सुना तुमने? बोलो। कुछ नहीं ना, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। तुम बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो तासीर को, उसके बारे में बात कर रहे हो। तासीर को जानता हूँ मैं, उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाऊंगा यार? और तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कोई बेसलेस और पॉइंटलेस बात कभी भी नहीं करूंगा। मैं नॉनसेंस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगा था तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन तुम इतने स्टूपिड हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फलक, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाद में बात करता हूँ। मेरे दिल में तो तुम दबे पांव आ चुकी हो। कमरे में आने की इजाजत मांग रही हो? वो दरवाजा तो खुला था, बस दुनिया का दरवाजा मुझ पर बंद था। उसे खोलने की कोशिश कर रही हूं, रस्मन ही सही लेकिन इजाजत तो मांगनी चाहिए ना। इजाजत तो मैं तुम्हें दे चुका हूं।
हेलो हाँ क्या हुआ जन्म अभी घर आ सकते हो आ जाता हूँ घर पहुंचो ना मैं पहुंच के बताती हूँ मैं रास्ते में हूँ ओके हाँ बाय तुम रिजवान को बता दोगी और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगा क्योंकि ये तुम्हारा घर है because this is your bloody house. तुम ये कौन सी बातें परेशान करने लगी तुम तो बड़ी स्ट्रांग औरत हो छोटी बातों के लिए फोन ना किया करो तारा मजा खराब हो गया क्या सोचा तुमने सिलसिले के बारे में या फिर रिजवान के साथ जॉब कंटिन्यू रखो आई डोंट थिंक सो कि अब पंचा हमें छोड़ कर जाएगा